हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, मैं हूं। अभी अभी एक न्यूज़ में पता चला है कि शाओमी का पहला स्मार्ट वॉच दिखने में होगा ऐसा। आप यहां पे ऊपर में इमेज देख सकते हैं। अभी एक दिन पहले शाओमी ने खुलासा किया था कि वह अपने पहले स्मार्टफोन पर काम कर रही है। अब शाओमी के इस डिवाइस की पहली झलक मिली है। इसका डिज़ाइन बहुत हद तक एप्पल वॉच से प्रेरित लगता है। नाम तो साफ नहीं है, लेकिन शाओमी के स्मार्ट वॉच का ब्लैक और सिल्वर रंग में आना तय है। मेजिया, जो शाओमी की सहायक कंपनी है, प्रतीत होता है कि उसने ही इस स्मार्ट वॉच को बनाया है। उसने इस स्मार्ट वॉच का कुछ ब्यौरा भी दिया है। शाओमी के CEO जी जून के एक वीवो पोस्ट में शाओमी वॉच नज़र आ रहा है। जून ने यह भी बताया कि शाओमी वॉच ब्लैक और सिल्वर रंग में मिलेगा। तस्वीर में स्मार्ट वॉच का फ्रंट पैनल 3D कवर्ड ग्लास के साथ नज़र आ रहा है। इसके अलावा मीडिया के एक वीवो पोस्ट में शाओमी वॉच को दूसरी तरफ से दिखाया गया है। इसमें स्मार्ट वॉच की मोटाई का पता चलता है। इसके अलावा पावर बटन और माइक्रोफोन क्राउन के बगल में इसके साथ इस्तेमाल किए गए टेक्स्ट से इशारा मिलता है कि स्मार्ट वॉच सेल्यूलर कनेक्टिविटी के साथ आएगा। इसके अलावा शाओमी वॉच अलग से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकेगा। इसके बारे में जानकारी वीवो पोस्ट के जरिए दी गई थी। मीडिया के मुताबिक स्मार्ट वॉच ई सिम कनेक्टिविटी के साथ आएगा। शाओमी स्मार्ट वॉच GPS, NFC सपोर्ट, वाईफाई कनेक्टिविटी, बड़ी बैटरी और स्पीकर के साथ आएगा। यह स्मार्ट वॉच स्नैपड्रैगन वियर 3100 प्रोसेसर के साथ आएगा। इसके अलावा शाओमी के पहले स्मार्ट वॉच के बारे में और कोई जानकारी नहीं उपलब्ध है। पुराने स्मार्ट वॉच के मुताबिक शाओमी वियर OS पर आधारित एक स्मार्ट वॉच पर काम कर रही है। संभव है कि मी स्मार्ट वॉच वही स्मार्ट वॉच है। तो यह थी दोस्तों शाओमी की तरफ से आने वाले न्यूज़ स्मार्ट वॉच के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी, स्मार्टफोन की जानकारी हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं इसके अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।